नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया के ऊपर। फाइलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो मच्छरों के काटने के द्वारा फैलता है। यह जिस व्यक्ति को फाइलेरिया पहले से होते हैं उनके ब्लड में फाइलेरिया के कीटाणु रहते हैं। जब मच्छर उसे काटता है तो फाइलेरिया कीटाणु लेकर फिर जब वह दूसरे किसी आदमी को काटता है तो उसमें इस बीमारी को संचार कर देता है। इसी तरह से बीमारी एक से दूसरे आदमी में फैलता है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी में लक्षण जो है काफी देर से आते हैं। शुरुआती लक्षण में बुखार होना, चमड़े पे खुजली होना, हाइड्रोसील का होना, पाओ में सूजन होना, महिलाओं में ब्रेस्ट का सूजन हो जाना, ऐसे लक्षण फाइलेरिया में देखे जाते हैं। इसके अलावा फाइलेरिया जो है हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे फेफड़ों में कभी कभी इसके कारण सूखी खांसी का होना भी एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी ब्लड में फाइलेरिया के चलते ईसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। पेट और छाती में इसकी वजह से कभी कभी पानी भी आ सकते हैं। ये सब फाइलेरिया के कारण हो सकता है। इसकी जांच कैसे करते हैं? माइक्रो फाइलेरिया एंटीजन टेस्ट और स्किन ब्लड स्मियर फॉर फाइलेरियल पैरासाइट्स, जिसमें हम लोग खून की जांच करते हैं, फाइलेरिया के वर्म्स को देखते हैं या फाइलेरिया एंटीजन की जांच करते हैं। अगर फाइलेरिया के लक्षण अगर दिख रहे हैं, जैसे किसी आदमी को हाथी पाँव है या एक पाँव में सूजन है, तो ये फाइलेरिया के लक्षण होते हैं। हम लोग सीधे इसकी दवा भी शुरू कर सकते हैं। अगर जिसे हाथी पाँव है या एक पाँव में सूजन काफी आ गया है, इसके लिए दवा है और दवा दी जाती है। दवा जो नॉर्मली डाइएथाइल कार्बामेजीन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन होती है, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, ऐसी दवाएं रिकमेंडेड है फाइलेरिया में देने के लिए, जिसे फाइलेरिया के स्टेज, फाइलेरिया के तरह को, जिसको टाइप्स को देख के हम लोग फाइलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो? चूंकि फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है तो आपको मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिए, पूरे माह के कपड़े पहने, मच्छर को पनपने से रोकें। 6 मंथली प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी भी होती है। वो जगह जहां फाइलेरिया काफी ज्यादा देखा जाता है, वहां फाइलेरिया की रोकथाम के लिए DC4 जिसे डाइथाइल कार्बामेजीन है और अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन की गोली की 6 मंथली प्रोफाइलेक्सिस भी दी जाती है, जिससे बीमारी को होने से ही रोका जाए। अगर आपको लक्षण दिखते हैं, कोई एक पांव फूला हुआ लगता है या हाइड्रोसील है, स्क्रॉटम में सूजन आया हुआ है, या खांसी बहुत दिनों से है, सूखी खांसी रहती है, या खून में ईसिनोफिल्स काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप जरूर डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज लें। ये इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, अगर हाथी पांव है तो ये इलाज लेने से, स्टॉकिंग्स पहनने से बीमारी काफी हद तक कम हो जाता है। आजकल लिम्फेडिमा, जो पाँव में सूजन जो होता है, उसके लिए कुछ सर्जरी भी आ गई है, जिससे पाँव का जो मोटापा जो हो जाता है उसको कम किया जा सकता है। थैंक यू।